सन्यासी बाबा की मत भागवत महापुराण अपने अपने मताई बाप की गोविंद की युद्ध सरकार जबलपुर बनाकर के पागलों की आपने लगकर भगवान बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना करके 2024 की तारीख 23 में निकलवा दी। हाँ, ये कथा जो है 24 में होनी थी, इस तारीख की कोई और कथा थी, कहीं अगली जगह। प्रभाव धन्य है इनका पुरुषार्थ, इनका भगवान के प्रति प्रेम। और हमें तो लगता है बालाजी ने हमको भेजा ही है, जाओ भाई सबको राम रस में डुबा करके आओ। श्री राम की जय। हम बड़े आनंदित हैं, बहुत ही प्रसन्न चित्त हैं। 7 दिन तक, वैसे तो आपने कहा था, तिवारी जी ने कहा था, गुरु जी राम कथा 9 दिन की सुनाओ। अब कब राम कथा से भागवत हो गई हमें खुद नहीं पता। सच बता रहे, हम तो राम ही कथा के भरोसे चले। हमें रस्ते में खबर आई, हमने कहा भाई होना क्या है, तब रस्ते में बताया महाराज जी भागवत है। एक दिन बीच में ऐसी चर्चा चली, कार्ड लेकर जब आए तब चर्चा चली, तब याद आया कि राम कथा से भागवत हो। लेकिन इस बार की हम भागवत कथा में 7 दिन तक एक नया प्रयोग करेंगे। भगवान राम जी, भगवान ठाकुर श्री कृष्ण कन्हैया जी, इन दोनों में क्या समानता है और क्या विपरीतता है, इन दोनों चरित्रों को हम 7 दिन तक सुनाएंगे। भागवत तो सुनाएंगे ही, हमारे रघुनाथ जी कितने सरल हैं और ठाकुर जी कितने चपल हैं, राम जी कितने सूधे और हमारो कन्हैया कितनो टेढ़ो, इसका आप आनंद लेंगे तो आपका हृदय एकदम भर जाएगा। क्योंकि खीर कह रहे थे तो दांत नहीं दिखा रहे, उन्होंने कहा थीर दो थीर, तो दांत नहीं दिख रहा था। तो जो परस रहे थे बेबी कम नहीं, बेबी इतनी पना करके आती। जो परसने वाले थे वो भी कम नहीं, पनागर का आदमी हो, पनागर का आदमी बुद्धि का बहुत तेज होता है। इन्होंने 3-4 बता थी दो थी, वे समझ गए सोने को दांत दिखा रहा है। तो बेबी 3, 18, 12, 18, 19, 16 ऐसी रावण, रावण की मूंछ, हनुमान जी की पूंछ, हनुमान जी की पूंछ ने रावण की मूंछ को उखाड़ दिया और रावण की मूंछ उखड़ी, हनुमान जी की पूंछ बढ़ गई। वही हनुमान जी महाराज त्रेता में भी है और द्वापर में भी है, दो समानता। द्वापर में कब, एक जगह यहां भीम जी को अभिमान, अरे हम हैं हम बलवान, और बुरा मत मानना इस दुनिया में एक ही बलवान है जिनका नाम हनुमान है, बाकी एक और बलवान है, दूसरे भी बलवान। दूसरा कौन बलवान, जिसका गुरु पहलवान उसका चेला बलवान होता है। दूसरी समानता क्या, हनुमान जी पूरे बन के बैठ गए पूंछ डाल के रास्ता में, भीम आए पूंछ डाल, हनुमान जी बोले भैया तुम में दम हो सो उठा, अब इनमें दम, ये तो दम ही किया, खूब ताकत लगाई, पसीना फेंक गए भीम महाराज, लेकिन पूंछ हनुमान जी की नहीं उठी। इस कथा का एक और आशय सुनो, मेरे जबलपुर के पागलों, ये तुम्हारे काम की बात है, जिसके हृदय में राम होते हैं उनकी प्रतिष्ठा को कोई नहीं उठा पाता है। पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा, पूंछ का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा। जैसे कहते हम लोग कहते ना, अरे इनकी पूंछ तो यहां से दिल्ली तक है, तो क्या पूंछ थोड़ी होती है,
तो गाइस फाइनली हम लोग बाहर आ गए हैं, पूरा हम लोग भागवत देख लिए, सुन लिए हैं, क्या बोलते हैं, राम कथा और कृष्ण कथा दोनों हो गई है और फाइनली हम लोग बाहर आ गए। देखो सब लोग आ गए, जितने लोग रहे ज्यादा नहीं सुनते इसको, बार बार पड़ी रही चलो बाहर चलो बाहर चलो, अब कुछ खाएंगे भूख लगी है। सुनने भी नहीं दे रहा ना, कुछ सुन रहा है क्या बोलते बाबा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, क्या बोलते बाबा। ये देखिए पब्लिक देखिए, बस बहुत हो गया ये वाला ब्लॉग, अब नेक्स्ट ब्लॉग बनेगा।